जैसे कि हमने इस हफ्ते पहले भी आपको जानकारी दी थी कि मिस्टर बिमान प्रसाद एनएफपी पार्टी के लीडर यहाँ न्यूजीलैंड में फिलहाल हैं, आज हमारे स्टूडियो में भी आए हुए हैं। मिस्टर प्रसाद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? न्यूजीलैंड कैसे आना हुआ? गुड मॉर्निंग पवन जी, और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। या सो कैसे आना हुआ न्यूजीलैंड? बिल्कुल ठीक है, बस यूं ही आप लोगों से मिलने के लिए जी, और कुछ सभाएं कल हमारी हुई ओकलैंड में। okay. और बहुत खुश हो रही है। कैसी लोगों से थी सभाएं? बहुत अच्छा था कल। okay. लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया था और बहुत सारे लोग आए थे। okay. बहुत सारे बातें हुई और यहाँ के जो हमारे लोग हैं उनके दिलो दिमाग में फिजी सदा रहता है। of course, और yes. बहुत खुशी हुई मुझे उनसे मिलकर। ऑफ कोर्स यस। तो आज जबकि मैं तैयारियां कर रही थी आज के इस इंटरव्यू के लिए, आपकी वेबसाइट पर मैं गई, ऑब्वियसली भी इलेक्शन की तैयारियां और कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी, तो कोई खास पॉलिसी के बारे में तो इस पर जानकारी नहीं है, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप ऑब्वियसली इस इलेक्शन में सत्ता में आना चाहते हैं, क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप मिस्टर प्रसाद? तीन विषय मैं आपको विशेष बताना चाहता हूं। पहला कि देश की जो स्थिति अभी है, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, एजुकेशन की, कोई भी सेक्टर आप ले लो, देश की स्थिति बहुत बुरी है। और पिछले 15 सालों में बैनीमरामा सरकार और फिजी फेस सरकार के नीचे ये हुआ है। और हम तीन विषय को लेकर सरकार में जाएंगे और सरकार जब हम बनाएंगे, पहला हम ये निर्धारित करेंगे, कोशिश करेंगे और लोगों को बताएंगे चुनाव से पहले कि आर्थिक स्थिति को हम कैसे सुधारेंगे। ओके, थोड़ा सी जानकारी देना चाहेंगे कैसे? दूसरा जो कानून की व्यवस्था है, जो डेमोक्रेसी लोग कहते हैं कि फिजी में ट्रू डेमोक्रेसी है, जो कानून की व्यवस्था है, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस जो कहते हैं जी, उसकी स्थापना हम फिर से करेंगे। और तीसरा जो फिजी की रीजनल रेपुटेशन है, अंतर्राष्ट्रीय रेपुटेशन है, जो लोगों को बताया जा रहा है वो नहीं है, उसको हम ठीक करेंगे। तो ये तीन बड़ी बड़ी विषय मैं आपको अभी बता सकता हूँ डिटेल, जैसे आपने सही कहा ये कि जब थोड़ी सी हमें जानकारी मिली कि इकोनॉमी को अगर सुधार नहीं, आप तो पहले क्या करेंगे? आप पहले ये बात लोगों को समझाओ कि फिजी की स्थिति क्या है अभी। नहीं, बट ये हम जानना चाहते हैं कि सोल्यूशन क्या है इसका? नहीं नहीं, आपको सोल्यूशन से पहले आपको ये जानना होगा कि समस्या क्या है। तो समस्या आपने बताई, अब आप मुझे बताइए आप सोल्यूशन कैसे देंगे? आपने अभी सुना ही नहीं। सुनी मैंने, तीन प्रॉब्लम्स है जो आपकी पार्टी वाकई में सुधारना चाहती है, तो क्या प्लान्स क्या है? आप परिस्थिति की पहली जो है वो सुनो। कोविड से पहले फिजी की आर्थिक स्थिति 2019 में नेगेटिव ग्रोथ हुआ था, यानी कि जो आर्थिक स्थिति है उसमें गिरावट हुई थी। कोविड जब आया इकोनॉमी को और नीचे ले गया। फिजी के पास ऐसी स्थिति थी जहां पर पैसा नहीं था, तो जो हमारे दोस्त देश हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अन्य जो देश हैं, उन्होंने बजट सपोर्ट प्रोवाइड किया। दूसरा जो कारण फिजी में लोगों को सहायता हुई है वो आप जैसे लोगों तो, से मिस्टर प्रसाद सॉरी टू इंटरप्ट, मैं जानना चाहती हूँ कि ये स्थिति को सुधारने के लिए आपका प्लान क्या है? आप तो पहले समस्या प्लान क्या है, कैसे सुधारेंगे आप? आप एफबीसी की तरह बात कर रही हो। आप मुझे सवाल का आप मुझे आपको सामने से सवाल पूछ रही हूँ कि प्लान क्या होंगे ये? चलो मैंने मान लिया ये वाकई समस्या है, आप बात सुनती ही नहीं हो, तो मैं आपको बताऊं कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे प्लान बता देंगे क्या है? मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ, उसके बाद प्लान बताऊंगा। आप स्थिति मैंने जान ली, गोइंग इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपको नहीं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आपको पता है, मैंने आपसे पूछा, आप बताइए ना थोड़ा बहुत कि प्लान है क्या स्थिति को सुधारने के लिए, थोड़ा तो आप मुझे बताइए, लोगों को आपको वोट करना है, क्या है प्लान? आप अभी कैंपेन शुरू नहीं हुआ। अच्छा, तो कैंपेन शुरू होने के बाद आप बता पाएंगे? देखो पवन जी, अगर आप
कायदे से मुझसे बात करना चाहती हूँ? मैं कायदे से पूछ रही हूँ, तो मैं इंटरव्यू बंद करता हूँ। नहीं, मैं कायदे से ही पूछ रही हूँ, आपका प्लान मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, आप अगले सवाल पर चलते हैं। आपका मैनिफेस्टो कब निकलने वाला है इस इलेक्शन के लिए? मैं आपसे इंटरव्यू यहाँ पर बंद करता हूँ। आप बिल्कुल बकवास की बात नहीं, मैं आपसे सामने से पूछ रही हूँ कि प्लान क्या है। अच्छा, मैनिफेस्टो क्या है आपका, ये इस सवाल का जवाब आप दीजिए। आपका मैनिफेस्टो कब निकलने वाला है? आपका जो इंटरव्यू है वो बंद कर रहा हूँ। आपने इंटरव्यू आपने मेरे सवाल का, मैंने सिंपल से सवाल पूछा अभी, कि आपका प्लान क्या है? आपने किया नहीं, आपने कहा कि अभी चुनाव नहीं हुआ, अभी मैनिफेस्टो लोगों को नहीं बना, कोई पार्टी का मैनिफेस्टो फिजी में तो बना, फिर भी प्लान क्या है मैं पूछना चाहती हूँ, इसीलिए तो आप आए हुए। कोई पार्टी का मैनिफेस्टो अभी बना चुनाव? मैंने इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि मैनिफेस्टो कब निकलेगा। मैं आपको शुरू में गोइंग इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर प्रसाद, गोइंग इनटू मिस कि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करना चाहता। दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन। दैट वाज एनएफपी पार्टी लीडर मिस्टर बिबान प्रसाद, जिनसे मैंने ये सवाल पूछा कि बताइए कि आपका प्लान क्या है नेक्स्ट इलेक्शन में लड़ने के लिए, आपका प्लान क्या है, जिसका वो सीधे से सामने से जवाब ही नहीं देना चाहते। तो फिर मैं क्या करूं जनाब, इट्स जस्ट कि मुझे एक एड ब्रेक लेना होगा, उसके बाद गाना प्ले करना होगा।